नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। चलिए देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाते हैं न्यूज शॉर्ट्स में। अग्निपथ योजना के खिलाफ आज जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह। प्रियंका गांधी, सचिन पायलट समेत कई बड़े नेता हुए शामिल, युवाओं के समर्थन में सत्याग्रह। योजना को लेकर युवाओं का पूरे देश भर में प्रदर्शन। जगह जगह जलाई जा रही ट्रेन और बसें। युवाओं ने कहा, सरकार हम लोगों को बना रही मूर्ख। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम पर जमकर साधा निशाना। बोले, बीजेपी पिछले 8 सालों से जय जवान जय किसान के मूल्यों का कर रही अपमान। राहुल गांधी ने कहा, पीएम को जिस तरह कृषि कानून वापस लेना पड़ा था, उसी तरह युवाओं की मांग भी स्वीकार करनी होगी। अपने जन्मदिन के मौके पर राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से की अपील। बोले, देश का युवा दुखी है, इसलिए मेरे बर्थडे का जश्न ना मनाए। अग्निपथ योजना को लेकर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का, योजना को लेकर युवाओं में कई तरह के सवाल, सरकार से सवालों को दूर करने की कही बात। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर साधा निशाना। लिखा, पीएम ने 8 सालों में युवाओं को दिया सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान। बिहार में अग्निपथ के विरोध में अब तक 130 एफआईआर दर्ज। वहीं हिंसा मामले में 620 लोगों की हुई गिरफ्तारी। प्रदर्शन के चलते रेलवे संपत्ति को हुआ भारी नुकसान। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में हुई सबसे ज्यादा हिंसा। नाराज युवाओं ने दर्जनों ट्रेनों में लगाई आग। कई सार्वजनिक संपत्तियों को पहुंचाया नुकसान। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक तोड़फोड़ से अकेले बिहार में रेलवे संपत्ति को 200 करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान। हिंसक आंदोलन के कारण बिहार रेलवे का बड़ा फैसला, आज शाम 8 बजे तक नहीं चलेगी ट्रेन। प्रदर्शन के चलते 371 रेलगाड़ियां प्रभावित। सरकार के नए आश्वासनों और रियायतों के बावजूद नहीं थमा युवाओं का प्रदर्शन। हिंसा को बढ़ता देख पूरे बिहार में बढ़ाई गई सुरक्षा। सेना की भर्तियों को लेकर तीनों सेना प्रमुखों ने की मीटिंग। बैठक के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वायुसेना में अग्निवीरों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में दी जानकारी। अग्निवीरों को सैलरी के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस समेत कैंटीन, मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध होगी। मई साल में मिलेंगी 30 छुट्टी। सभी अग्निवीरों को 48 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। अग्निवीरों को अन्य सैनिकों की तरह मिलेंगे मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, जवानों की ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाएंगे, सभी को दी जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग। पीएम मोदी ने दिल्लीवासियों को दी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का किया उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों का सफर होगा आसान। सुरंग के अलावा 6 अंडरपास का भी पीएम के हाथों हुआ उद्घाटन। मौके पर पीएम मोदी ने सभी को किया संबोधित। पीएम ने अपने भाषण में कहा, भारत सरकार निरंतर कर रही विकास कार्य। साथ ही बोले, आज केंद्र की तरफ से दिल्ली वासियों को मिला बड़ा उपहार। लगभग 920 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना। साल 2018 में शुरू हुआ था सुरंग का निर्माण। सुरंग में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। 100 से ज्यादा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। आवागमन पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी। पीएम मोदी बोले, इतने कम समय में कॉरिडोर को तैयार करना रहा चुनौतीपूर्ण कार्य, लेकिन आखिरकार हुआ संभव। पीएम मोदी ने अपने भाषण में आगे कहा, यह नया भारत है, समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है। पटना एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। आग लगने की वजह से प्लेन की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली आ रहा था विमान। हादसे के वक्त विमान में 185 यात्री थे सवार। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। विमान के उड़ान भरते वक्त लगी इंजन में आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। आग पर पाया गया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी। शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मतदान।
मतदान केंद्रों पर सुबह से लंबी कतारें, मतदाताओं में भी खासा उत्साह। 3,504 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में होगा कैद। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने सभी मतदाताओं से की अपील, का शांतिपूर्ण तरीके से सभी मतदाता करें अपने मत का इस्तेमाल। 18 नगर परिषदों के कुल 456 वार्ड में हो रहे चुनाव, मैदान में 185 उम्मीदवार, इनमें से 100 पुरुष और 85 महिलाएं। नगर परिषद चुनाव के लिए बनाए गए 1290 पोलिंग बूथ, नगर परिषदों में 12,60,000 मतदाता तय करेंगे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, 22 जून को नतीजे। वहीं 28 नगर पालिकाओं के कुल 432 वार्ड में हो रहे चुनाव, मैदान में 221 उम्मीदवार, 128 पुरुष और 93 महिलाएं। नगर पालिका चुनाव के लिए बनाए गए कुल 671 पोलिंग बूथ, मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरियाणा के कालका में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, बीते दिन चेकिंग के दौरान पकड़ी गई भारी मात्रा में शराब, मामले की जांच जारी। अग्निपथ योजना को लेकर जालंधर में युवाओं का रोष प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी, सरकार की नई योजना का किया विरोध। कासगंज में भी अग्निपथ योजना के विरुद्ध युवाओं ने किया प्रदर्शन, सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। बलिया में हुए प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला, वहीं 109 को भेजा जेल, सोशल मीडिया पर भी पुलिस की निगाहें सख्त। सेना में नई तरीके से भर्ती को लेकर कुल्लू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध, कार्यकर्ताओं ने कहा अग्निपथ योजना से देश की सेना होगी कमजोर। आगरा में प्रदर्शन के चलते रेलवे स्टेशन पर पुलिस प्रशासन अलर्ट, चप्पे चप्पे पर निगरानी, हर शख्स की हो रही जांच। शिमला में योजना को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, विधानसभा से निकली यात्रा, कई बड़े नेता यात्रा में हुए शामिल, केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा। राहुल से ईडी को लेकर हिमाचल कांग्रेस के राज्य समन्वयक आईएन मेहता ने केंद्र को घेरा, का देश में हो रही लोकतंत्र की हत्या। सहारनपुर में भी सड़कों पर उतरे युवा, सरकार की नई योजना का जताया विरोध, मोदी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अग्निपथ स्कीम के विरोध में चंदौली में प्रदर्शन, युवाओं ने कुचमन स्टेशन पर किया पथराव, हिंसा के दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल। पंजाब में भी देखने को मिला अग्निपथ योजना का विरोध, वहीं हिंसा को देखते हुए पटियाला रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा, एसएसपी ने अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। गुरुद्वारे पर हुए हमले को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष ने भी दिया बयान, बीबी जगीर कौर ने कहा इस घटना ने कई सिखों की भावनाओं को किया आहत। नालागढ़ में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न, जिले के 80 युवाओं ने लिया था भाग, समापन समारोह में पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने खास रूप से की शिरकत। पटियाला में उड़ान इमिग्रेशन के मालिक गुरप्रीत सिंह को लेकर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, गुरप्रीत सिंह से 2 लग्जरी कार बरामद, मालिक ने बच्चों को फंसाकर बनाई अरबों की संपत्ति, फिलहाल 5 दिन के रिमांड पर गुरप्रीत सिंह। यूपी बोर्ड ने बीते दिन जारी किया 10वीं बोर्ड का रिजल्ट, रायबरेली के अथर्व श्रीवास्तव ने परीक्षा में हासिल किया 5वां स्थान, 97% अंक किए हासिल।
कानपुर में युवा कांग्रेस के बैनर तले युवाओं ने किया प्रदर्शन, सरकार की अग्निपथ योजना का जताया विरोध, सरकार से फैसला वापस लेने की बात। पटिया में मां बेटी की हत्या मामले में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, आरोपी ने पुलिस ने आरोपियों को मध्य प्रदेश से किया गिरफ्तार। श्रीगंगानगर जिले में बिश्नोई युवा क्लब, साधुवाली और पर्यावरण प्रेमियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, सोलर प्लांट कंपनी द्वारा वृक्ष कटौती को लेकर कार्रवाई की उठाई मांग। पंजाब में बढ़ने लगे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 92 नए केस आए सामने, वहीं लुधियाना में एक मरीज की मौत। लक्सर में एसडीएम गोपाल राम बिडवाल ने अंग्रेजी शराब की दुकानों पर की छापेमारी, दुकानदारों की तरफ से एमआरपी से ज्यादा रेट पर शराब बेचने की मिल रही थी शिकायत। पालिकी वार्ड 25 में जलापूर्ति नहीं होने पर महिलाओं का प्रदर्शन, पार्षद के घर के बाहर जताया विरोध, जल समस्या को दूर करने की कही बात। आगरा में सेना भर्ती प्रशिक्षण देने वाले कोचिंग सेंटर कराए गए बंद, बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया फैसला। कोटा में 200 करोड़ की ठगी करने वाला एक और गिरफ्तार, आरोपी के पास से 2.5 लाख रुपए भी बरामद, आरोपी की गिरफ्तारी हरियाणा से हुई। फतेहपुर में 3 दिन से बिजली गुल, भीषण गर्मी से लोगों को परेशानी, बिजली की समस्या से बैंक में करोड़ों का लेन देन हो रहा प्रभावित। पालिका वार्ड 25 की महिलाओं का फूटा गुस्सा, प्रशासन पर विकास कार्यों की अनदेखी का लगाया आरोप, साथ ही दी चेतावनी का, मांगे नहीं मानने पर करेंगे भूख हड़ताल। पाली में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी, जिला कलेक्टर और जिला चिकित्सा प्रभारी ने मारवाड़, जंक्शन की कई दुकानों पर दी दबिश, मिठाइयों के लिए गए सैंपल। काबुल में गुरुद्वारे पर आतंकी हमले को लेकर अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह ने जताया दुख, घटना को बताया निंदनीय। संगरूर में पीटीआई टेस्ट पास नौजवानों का प्रदर्शन, पक्के रोजगार की मांग को लेकर जताई नाराजगी, पंजाब सरकार से पक्के रोजगार की मांग। बठिंडा में कृषि विभाग के ऑफिस में अधिकारियों ने की बैठक, 3 राज्यों के कृषि अधिकारियों के बीच हुई बैठक, किसानों की फसलों को लेकर तैयार हुआ मास्टर प्लान। हिमाचल के उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर का बड़ा बयान, परिवहन निगम के कर्मचारी की नौकरी के दौरान हुई मौत तो मृतक के परिजनों को मिलेगी नौकरी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सिरमौर के अलग अलग क्षेत्रों में योग कार्यक्रम का होगा आयोजन, योग दिवस पर 10,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य। राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कुल्लू में कांग्रेस नेताओं ने निकाली रैली, विधायक सुंदर ठाकुर का केंद्र पर निशाना, का राहुल गांधी को किया जा रहा परेशान। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। आपका अपना चैनल खबर फास्ट, अब फास्टवेग चैनल नंबर 200 की बजाय चैनल नंबर 329 पर। ना हल्ला ना बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। योजनाएं जो असर दिखाएं, फैसले जो बदलाव लाए, सरकार जो
जिसका जनहित पर हो फोकस, सिस्टम जो जनता को करे सपोर्ट। देखिए हरियाणा रिपोर्ट रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आपका अपना चैनल खबर फास्ट, अब फास्टवे के चैनल नंबर 200 की बजाय चैनल नंबर 329 पर। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। योजनाएं जो असर दिखाएं, फैसले जो बदलाव लाएं, सरकार जिसका जनहित पर हो फोकस, सिस्टम जो जनता को करे सपोर्ट। देखिए हरियाणा रिपोर्ट रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। अयोध्या में अग्निपथ योजना को लेकर प्रशासन अलर्ट, अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन की बढ़ाई गई सुरक्षा, डीएम और एसएसपी ने लिया मौके का जायजा। हिमाचल में अग्निपथ योजना को लेकर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, आपने सरकार के इस फैसले को बताया गलत, रैली निकालकर डीसी ऑफिस पहुंचे कार्यकर्ता। शामली में सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर कई पार्टियों का प्रदर्शन जारी, विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, ज्ञापन देने के बाद शांतिपूर्वक ढंग से समाप्त किया प्रदर्शन। कांगड़ा में कांग्रेस प्रदेश सचिव सुधीर शर्मा ने डीसी के जरिए राज्यपाल को भेजा ज्ञापन, स्थिति को सामान्य करने की अपील, सरकार पर लगाए अराजकता फैलाने के आरोप। बदायूं में अग्निपथ योजना को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, पुलिस ने रेल रोकने के प्रयास में युवाओं को खदेड़ा, इस दौरान कई युवा गिरफ्तार, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। कांगड़ा में अग्निपथ योजना को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी, आम आदमी पार्टी नेताओं ने कचहरी चौक पर मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, साथ ही मोदी सरकार से इस्तीफा देने की मांग। मोगा में भी अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन जारी, पुलिस ने मोगा रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई चौकसी, पुलिस बड़ी संख्या में तैनात। कुशीनगर में अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी, सरकार की नीतियों के खिलाफ की नारेबाजी, इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। करनाल में पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 4 बाइक बरामद, आरोपियों पर पहले से दर्ज है कई मामले, फिलहाल पुलिस की जांच जारी। फरीदकोट पुलिस ने नाकेबंदी कर एक तस्कर को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से भारी मात्रा में अफीम बरामद, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। भरतपुर में पैसे के लेनदेन को बदमाशों ने युवक पर की फायरिंग, सूचना मिलने पर पुलिस ने लिया घटनास्थल का जायजा, बदमाशों की तलाश जारी।
कोटा में कांग्रेस की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल भी रहे मौजूद। इस दौरान अग्निपथ योजना को लेकर सरकार के खिलाफ जताया रोष। चंदौली में अग्निपथ स्कीम को लेकर उग्र प्रदर्शन जारी। युवाओं ने कुचमन स्टेशन में मचाया उत्पात। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में लोगों ने तहसीलदार के दफ्तर में घुसकर की तोड़फोड़। तहसीलदार पर भी किया हमला। गार्ड ने बचाई तहसीलदार की जान। मामले में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। कुशीनगर में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। मुठभेड़ के दौरान एक तस्कर हुआ घायल। वहीं आरोपी से अवैध असलाह भी बरामद। लखनऊ में भी अग्निपथ योजना का विरोध। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन और युवाओं ने मिलकर निकाला पैदल मार्च। योजना को वापस लेने की मांग। तो देशभर में अग्निपथ योजना के युवाओं के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन। जगह जगह विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में विरोध को देखते हुए अलर्ट। बहराइच के रेलवे स्टेशन पर अग्निपथ प्रदर्शन के मद्देनजर GRP, RPF, यूपी पुलिस, PSC, फायर ब्रिगेड टीम भारी संख्या में तैनात। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। आपका अपना चैनल खबर फास्ट, अब फास्टवे के चैनल नंबर 200 की बजाय चैनल नंबर 329 पर। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी, नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। अभी बुक करें 70875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। नो वाईफाई, नो पढ़ाई, गेट नेट प्लस अल्ट्रा फास्ट फाइबर ब्रॉडबैंड जस्ट एट ₹499। योजनाएं जो असर दिखाएं, फैसले जो बदलाव लाएं, सरकार जिसका जनहित पर हो फोकस, सिस्टम जो जनता को करे सपोर्ट। देखिए हरियाणा रिपोर्ट रोजाना शाम 7 सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। शिमला हिमाचल टू आम आदमी पार्टी की ओर से शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर BSP अध्यक्ष मायावती का ट्वीट। मायावती ने की नौजवानों से संयम बरतने की अपील, साथ ही केंद्र सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का किया अनुरोध। मायावती ने लिखा, जब मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर देश की विशाल आबादी, खासकर युवा वर्ग, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, तनाव आदि के अग्निपथ पर हर दिन बिना थके हारे संघर्ष करने को मजबूर है। आगे लिखते हुए मायावती ने कहा कि तब ऐसे में उन्हें केंद्र की अल्पावधि अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना ने काफी निराश और हताश किया।
सपा प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, अग्निपथ योजना को बताया विश्वासघात। भुवन जोशी ने कहा कि जो युवा 4 साल काम करेगा उसके बाद उसका जीवन अंधकार में चला जाएगा। आज पूरे भारतवर्ष में अग्निपथ योजना का चल रहा है विरोध। अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण अपने 4 दिवसीय गंगा शहर प्रवास के बाद डूंगर कॉलेज पहुंचे। उन्होंने जनोलॉजी डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स और लेक्चरर्स के साथ बिताया समय। इस दौरान कॉलेज में आचार्य महाश्रमण ने ध्यान और योग केंद्र का किया लोकार्पण। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी इस कार्यक्रम में रहे मौजूद। पर्यटन विभाग के कार्यालय में होंगे 4 धाम यात्रा के पंजीकरण। अब तक पंत द्वीप पार्किंग में किया जा रहा था श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन। जिलाधिकारी के अग्रिम निर्देश मिलने तक जारी रहेगी पंजीकरण व्यवस्था। रेलवे स्टेशन कैंपस में भी जारी रहेगी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था। 12 शहर के मांगरौल के स्थानीय निवासी जलभराव की समस्या से परेशान। गलियों में भर रहा नालियों का गंदा पानी। स्थानीय निवासियों ने विरोध में मांगरौल रास्ते को किया जाम। लोगों ने नगर परिषद और जिला प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। लोगों का कहना 12 महीने रास्ते में गंदा पानी कीचड़ जमा रहता है। धर्मनगरी हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में अस्थायी पंजीकरण पर कई अस्पताल संचालित। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सीएमओ कुमार खगेंद्र सिंह ने दी जानकारी। जैसलमेर में डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट प्रणाली का किया सफल शक्ति परीक्षण। उन्नत किए गए पिनाका MK-1 और पिनाका एरिया डिनायल मुनिशन का यह परीक्षण रहा सफल। जैसल स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया परीक्षण। भारत के साथ साथ पाकिस्तान ने भी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का किया परीक्षण। कोटा में हुई प्री मानसून की बरसात से तेज पड़ रही गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश से खिले किसानों के चेहरे। तेज बारिश के चलते लोगों ने राहत के लिए सांस। हरिद्वार के ज्वालापुर थाना क्षेत्र में एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने नशीले इंजेक्शन सप्लाई के तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से 30 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद। पकड़े गए आरोपी का नाम शौकीन। आरोपी शौकीन पिछले काफी समय से इस नशे के कारोबार का कर रहा काम। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में दर्ज किए केस। दादाबाड़ी इलाके की पुलिया पर बाइक दुर्घटना में 2 युवकों की मौत। पुलिस ने MBS अस्पताल की मोर्चरी में करवाया पोस्टमार्टम। परिजनों को सौंपे गए शव। कोटा यातायात थाना प्रभारी ब्रजमोहन ने बताया मृतक युवक ब्रजमोहन कोटा जिले के बपाहर थाना क्षेत्र के निवासी। दोनों मृतक आपस में थे रिश्तेदार। कानपुर में हुआ हादसा। गंगा बैराज नहाने में नहाने आए 10 छात्रों में से 2 छात्रों के डूबने से मौत। IIT कर रहा था एक छात्र लापता। कौशाम्बी जिले में गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। गैस के प्रेशर से फटकर बाहर निकाला गोदाम का शटर। गोदाम में रखा सामान जलकर राख। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। महानायक अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान संग शेयर की थ्रोबैक तस्वीर। फिल्म डॉन का किस्सा किया याद। फैंस ने की दोनों कलाकारों की तारीफ। फादर्स डे के मौके पर बॉलीवुड कलाकारों ने अपने पिता को किया याद। सोशल मीडिया पर पिता के साथ की तस्वीर शेयर। कई कलाकार हुए भावुक।